हेलो गाइस, अब ताइवान के इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेंगे भारत में। अगले महीने होने जा रही है लॉन्चिंग। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कई विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में दस्तक दे रही है। इसी क्रम में ताइवान की कंपनी गोगोरो ने भी भारत में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों को लॉन्च करने की इच्छा जताई है। भारत में यह हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर अपने ई स्कूटरों को बेचेगी और यह अपने प्लान का खुलासा 3 नवंबर को करने जा रही है। गोगोरो ब्रांड ने पहले ही बताया था कि भारत में आने के बाद यह बैटरी स्वैपिंग इंफ्रा में तेजी लाएगी। साथ ही यह तकनीक इसके पार्टनर कंपनी हीरो के हाल में आई विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी किया जाएगा। बता दें कि गोगोरो भारत में आने के बाद अपने स्मार्ट एनर्जी, शहरी गतिशीलता और डीकार्बोनाइजेशन जैसे सेक्टर्स में काम करेगी। 3 नवंबर को गोगोरो अपने प्लान को साझा करने वाली है या नए स्कूटर को लॉन्च करने वाली है, इस बात के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कंपनी B2B सेगमेंट में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों को उतारेगी। इसके लिए गोगोरो ने वाइवा नाम को ट्रेडमार्क भी कराया है। कहा जा रहा है कि इस स्कूटर में 3 किलोवाट के हब माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है। यह एक बार चार्ज करने पर 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगा और इसे लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया जा सकता है। विदेशों में मिलने वाले गोगोरो के इलेक्ट्रिक स्कूटरों के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि इसमें LED लाइटिंग, एक स्मार्टफोन इनेबल LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 2 राइड मोड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और कीलेस इग्निशन जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।